अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज किस व्लॉग में आपको बताऊंगा साउथ कोरिया के होटल या फिर मोटल के बारे में। जो कोरिया में रहते हैं उनको पता है कि होटल और मोटल में क्या फ़र्क है इधर कोरिया में। तो मैं असल में देजन शहर में आया था, इधर एक त्यौहार है कल संडे को, तो वो फेस्टिवल मैंने अटेंड करना था, व्लॉगिंग करनी थी काफ़ी सोलह उस फेस्टिवल के बारे में, तो मैं वही देखने इधर आया हूँ। तो उसके लिए मैं अभी आया हूँ, तो आज रात इधर गुजारनी थी मैंने, तो सुबह फेस्टिवल है तो इसीलिए मैं अभी आ गया ताकि सुबह टाइम पर फेस्टिवल पर जाएं और अटेंड कर शाम को वापस कर जाएं। तो फिलहाल दिस इज मोटल, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सीन है। तो मैं आपको बताऊँगा कि एक होटल या एक मोटल के रूम में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी। तो ये होटल का रूम ये वाला मुझे तकरीबन पाकिस्तानी 14,000 रुपये में मिला है एक रात के लिए, 24 घंटे के लिए। अभी 5:30 बजे मैं इंटर हुआ, कल 5:30 बजे तक ये मुझे मेरे लिए अवेलेबल है ये रूम। तो मैं आपको बताता हूँ इधर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 14,000 में मिलती हैं इधर, जहाँ पर आपको कंप्यूटर मिलेगा, काफ़ी मशीन मिलेगी, टावल, बाकी योंगपुंग जैसे कहते हैं कोरियंस बार में। इसके अलावा छोटी सी फ्रिज भी है भाई, इसमें पानी की बोतल, काफ़ी ये दो चीज़ें हैं, काफ़ी ऊपर भी पड़ी हुई है और नीचे भी। मुझे इस रूम का ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया, आप देख सकते हैं कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, ऊपर भी, बैक साइड भी, और ये बेडरा। आपको ज़रा वाशरूम का भी नज़ारा करवा दूँ। ये इधर इस रूम में मैंने देखा है कोई अलमारी नहीं है, ना जूते रखने के लिए जगह साइड पर, ना कपड़े रखने के लिए है। और ये रहा इसका वॉशरूम, वॉशरूम यूनिक है। तो ये पहले भी मैं गया था सियोल सिटी में, तो वहाँ जब मैं एक होटल में गया तो उसका जो बड़ा था, क्या कहते हैं इसको, वाटर टब जो भी है, तो वो बड़ा था, इसका छोटा ज़रा, वो थोड़ा महंगा था वो रूम, ये थोड़ा सस्ता है 14,000 रुपये का। लेकिन इसका ये है कि जो मुझे जो डिज़ाइन है ये बहुत पसंद है, ये वाला डबल बेड है। मैंने उसको कहा था कि सिंगल बेड चाहिए मुझे, लेकिन उसने कहा कि वो फ़िलहाल कोई भी नहीं है अवेलेबल, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो डबल बेड और मैं अकेला दो बेड कैसे इस्तेमाल करो। यहाँ पर आपको एक बड़ी सी LCD, साथ पहनने के लिए नाइट सूट, फ्रिज मिलेगी। चलिए अभी आपको मैं इसका बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि इस रूम के बाहर कैसा व्यू मिला मुझे इतने पैसों में, ऐसे व्यू देखने को मिलता भाई। ये देखें, इतना ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी गुजारे के लिए है। हाँ, जो अभी आपको बताता चलूँ, वहाँ शायद आप देख सकें वो बैड ऊपर जो गुब्बारे जोड़ रहे हैं, जहाँ पर है वो फेस्टिवल। तो मैंने फेस्टिवल की जो जगह थी उसके एड्रेस के नज़दीक ही, ये तकरीबन नज़दीक है, वहाँ पर ही मैंने ये रूम लिया। तो ये है व्यू, इतना ख़ास नहीं है इधर लेकिन फिर भी गुजारे के लिए काफ़ी है। व्यू की बजाय मुझे अंदर ये रूम बहुत कमाल का लगा। देजुन शहर ऐसा शहर है जहाँ पर मेरा कोई क्लास फेलो, कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो जहाँ पर काम करता हो, तो अगर कोई होता तो उसके यहाँ चला जाता, तो कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे इस मोटर में रुकना पड़ा एक रात के लिए, एक दिन के लिए। अगर आप कोरिया में एक रात या दो दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो आप, मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप मोटल सेलेक्ट करें होटल की बजाय। होटल अगर आप एक हफ्ता, 10 दिन, 15 या एक महीना रहना चाहते हैं तो आप फिर होटल इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैं हिंदे बीच गया था अपने दोस्त के साथ, वहाँ पर 5 दिन के लिए हम लोगों ने लिया था एक होटल 5 दिन के लिए, वो काफ़ी महंगा पड़ा हमें, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये 5 दिन के लिए। तो वो लोकेशन भी ऐसी थी कि बिल्कुल हिंदे बीच के सामने था, फ्रंट साइड पर, तो व्यू अच्छा था बीच का, पूरा नज़ारा था समुंदर का, तो वो महंगा था, तकरीबन 70 से 75 हज़ार बने टोटल। तो आपको अगर आप कहीं जाएं तो अगर आप होटल और मोटल में आप कंफ्यूज है कि कौन सा सेलेक्ट करें, तो मेरी एडवाइस यही है कि मोटल को आप सेलेक्ट करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये बेहतर है होटल की बजाय। होटल और मोटल में इधर फ़र्क है, ये ऐसी चीज़ें मोटल में अवेलेबल होती हैं, ऐसी चीज़ें आपको
आपको ऐसे इश्तहार ऐसे कार्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन होटल में अगर आप जाएं तो होटल में ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये फ़र्क है तकरीबन होटल मोटल में, फ़र्क और भी है लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा फ़र्क है वो इसी चीज़ का है कि जहाँ पर वो चीज़ें हैं ऐसी वो देखने को मिलती हैं एक होटल के रूम में। लगता है ये नीचे दूर सी तरह की टाइल लगाई हुई है, कोरिया में अक्सर ऐसा होता है सर्दियों में ये शीट चलती है नीचे ये वाली। तो अभी ये उसने मैं कहा है उसने थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ाया है, वो थोड़ी सी सर्दी है शहर में। तो बैग नीचे पड़ा हुआ है भाई, अभी आया हूँ, अभी नहाकर फिर हम सो जाएंगे और सुबह इंशाल्लाह फेस्टिवल पर जाएंगे। फिर आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में उसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।